प्रज्ञा गहलोत, आई एम स्टूडेंट ऑफ एम ए प्रीवियस. मैं आपको बताऊंगी एक ड्रामा के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एज यू लाइक इट, जिसे लिखा गया विलियम शेक्सपियर द्वारा. फ्रांस की एक फैमिली होती है जिसमें दो भाई होते हैं, एक ड्यूक फेडरिक और एक ड्यूक फर्डिनेंड. फर्डिनेंड बड़ा भाई होता है, फेडरिक छोटा भाई होता है. फर्डिनेंड की एक डॉटर होती है रोजलिंड और फेडरिक की एक डॉटर होती है सीलिया. ये दोनों कजन्स होती है और दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है. वहीं एक दूसरी और एक और फैमिली होती है सर रोलैंडी बॉयज, जिनके तीन बेटे होते हैं. सबसे बड़ा बेटा ऑलिवर, सेकंड जैकस जी बॉयज और थर्ड नंबर होता है ऑर्लैंडो. ऑर्लैंडो ये सबसे छोटा बेटा होता है और ये मेन प्रोटागोनिस्ट होता है. बॉयज की डेथ के बाद ये अपने बड़े बेटे को सारी प्रॉपर्टी और देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने ऑर्लैंडो को प्रॉपर एजुकेशन देना और उसका पालन पोषण करना. लेकिन ये ऑर्लैंडो को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देता है क्योंकि ऑलिवर जो इसे जलता है, क्योंकि बहुत स्मार्ट होता है जो ऑर्लैंडो है और बहुत विनम्र होता है, तो इसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं देता और ये चाहता है कि ये मर जाए और इसे नफरत करता है. फिर एक दरबार में एक फाइट होती है, तो उसमें एक फाइट में चार्ल्स रेसले होता है जो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत पावरफुल होता है, और उसी के अगेंस्ट एक यंग बॉय होता है जिसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता. तो जो फेडरिक होता है वो सीलिया और रोजलिंड को बोलता है कि इसे कन्वेंस करे कि ये फाइट ना करे. तो रोजलिंड होती है जो उसको कन्वेंस करती है, इसे बोलती है कि तू फाइट मत कर, लेकिन ये बोलता है कि मैं करूँगा क्योंकि मैं अगर मारा भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो मरने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है जो ऑलिवर, वो तो यही चाहता है कि मैं मारा जाऊँ. तो और फिर ये जो ऑर्लैंडो होता है यंग बॉय, ये जीत जाता है और रोजलिंड होती है अपने गले की चेन उसे गिफ्ट में दे देती है. फिर ये फेडरिक होता है जो सरप्राइज होता है, उसको आइडेंटिटी पूछता है उसकी, तो वो बताता है कि जो यंग बॉय है वो ऑर्लैंडो है और सर ऑर्लैंडी बॉयज का बेटा है. तब फेडरिक को पता चलता है कि सर ऑर्लैंडी बॉयज तो उसके बड़े भाई ड्यूक सीनियर के बेटे हैं, ड्यूक सीनियर के फ्रेंड हैं, ड्यूक सीनियर के फ्रेंड हैं. तो ये उसे पसंद नहीं करता और ये चला जाता है. फिर जब ये घर जाता है तो ये इसे एडम बताता है कि उसका जो भाई है ऑलिवर, उसे पता चलता है कि ये जीत गया है ऑर्लैंडो, तो ये इसे ये इसे मारने का प्लान करता है और ये चाहता है कि जब ये रात होगी तो ये आग लगा देगा उसके कमरे में और उसे मार देगा. तो एडम ये बात सुन लेता है. एडम ऑर्लैंडो का नौकर होता है. तो घर जाता है तो एडम उसे बताता है कि मालिक हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में ये लोग चले जाते हैं. और एडम उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देता है, बोलता है कि आप मेरे सर ऑर्लैंडो बॉयज की एक ही लास्ट निशानी हो, और उसके साथ चला जाता है. फिर ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में पहुंच जाते हैं. वहीं दूसरी ओर रोजलिंड को भी, ड्यूक फेडरिक होता है वो रोजलिंड को भी उसके व्यवहार और उसके गुण के कारण सब उससे बहुत पसंद करते हैं, तो ये फेडरिक को बात पसंद नहीं आती. तो ये सीलिया तो ये रोजलिंड को बाहर निकाल देता है, बोलता है कि दरबार से निकल जाओ. तो सीलिया उसे बहुत कन्वेंस करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, बट वो नहीं समझता फेडरिक और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहा हूँ. तो रोजलिंड जाने का फैसला करती है. सीलिया भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और ये अकेले जाना सेफ नहीं समझती, तो ये अपने डिस्गाइज फॉर्म में जाती है. और डिस्गाइज फॉर्म में जो रोजलिंड होती है वो बहुत टॉल होती है, तो इसलिए वो एक गैनीमेड, एक यंग बॉय की फॉर्म में आती है. और जो सीलिया है वो एक उसकी सिस्टर एलिनिया बन जाती है और अपने साथ में टच स्टोन को एंटरटेनमेंट के लिए ले जाती है. रोजलिंड और सीलिया ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में पहुंचते हैं और चलते चलते इन्हें बहुत भूख लग जाती है और सीलिया कहती है कि मैं और नहीं चल सकती. तो जो गैनीमेड होता है वो सोचता है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ तो मैं अपने भाई की तरह उसे साहस बतवाऊंगा, उसे एक अच्छी जगह देखकर बिठाऊंगा. तो फिर वो और खाना खिलाता है, तो वो एक उसे एक ग्रामीण लड़का दिखता है, एक यंग बॉय दिखता है. तो उसे बोलता है कि क्या कोई यहाँ ऐसा है जो पैसे लेकर या कुछ गहने जेवरात लेकर हमें खाना और रहने के लिए जगह देगा. तो जो लड़का होता है वो बताता है कि मैं खुद एक नौकर हूँ, एक शेपर्ड, मेरे मालिक एक शेपर्ड हैं, वो अपना घर, अपना कॉटेज और जो भेड़ है वो बेच रहे हैं. तो वो उनके साथ जाती है रोजलिंड और सीलिया जो गैनीमेड और एलिनिया की फॉर्म में है, ये उनके साथ जाता है और वो घर और उन भेड़ों को खरीद लेता है और उसी को नौकर रख लेता है. फिर ये शेपर्ड की लाइफ स्टार्ट करता है. और वहीं दूसरी ओर जो ऑर्लैंडो और एडम है वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में पहुंचे थे, तो उन्हें भी चलते चलते बहुत भूख लग जाती है. और जो एडम होता है वो बहुत बूढ़ा होने के कारण वो और ज़्यादा थक जाता है और वो बोलता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, मैं मर जाऊँगा. तो
जो ऑर्लैंडो होता है वो खाने की तलाश में ड्यूक सीनियर उससे मिलता है, ड्यूक सीनियर और उसका फ्रेंड वो खाना खा रहे होते हैं, तो ऑर्लैंडो से खाना छीन लेता है। तो ड्यूक सीनियर बोलता है कि तुम्हारी क्या ऐसी सिचुएशन रही होगी कि तुम ऐसे इतने डेयरिंग बन गए हो, ऐसे बन गए हो। तो वो बताता है कि मेरे साथ एक एडम है जो बहुत बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, और उनकी उन्हें भूख खाना नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। तो वो ड्यूक सीनियर है जो उन्हें इन्वाइट करते हैं खाने के लिए, और वो खाना खाने वहाँ जाते हैं दोनों। तो ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि ये सर रॉलैंड डी बॉयज़ का बेटा है जो ऑर्लैंडो है, और सर रॉलैंड डी बॉयज़ तो उनके उसके फ्रेंड है, तो वो उनको अपने पास ही रख लेते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टोरी लाइन बहुत बड़ी है और बहुत कंफ्यूजिंग है, कैरेक्टर याद रखने के लिए बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो, उसमें ये सब दे रखा है। तो जो आगे बताती हूँ, जो गैनीमेड और एलिनिया होती है, रोजेलिन और सीलिया असल में, तो गैनीमेड को एक दिन लगता है कि मैं भी रोजेलिन हूँ और मैं ऑर्लैंडो से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत कई मील दूर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑर्लैंडो उसके पास ही होता है। जब उसे पता चलता है, जब वो देखती है कि पेड़ों पे लव पॉइंट्स लिख रखी होती है और रोजेलिन का नाम लिख रखा होता है, तो वो ऑर्लैंडो से मिलती है गैनीमेड फॉर्म में, और वो बोलती है कि अगर मुझे इस पागल प्रेमी के बारे में पता चला कि ये कौन है, तो मैं उसे ज़रूर एडवाइस दूंगी और उसे अच्छे से एडवाइस दूंगी, उसका इलाज करवाऊंगी। तो जो ऑर्लैंडो होता है वो बताता है कि हाँ, ये पागल प्रेमी जो लवर है ये मैं ही हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एडवाइस दो ताकि मैं ठीक हो सकूँ। तो ये बताती है कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम तक ही खेल खेलो कि मैं तुम रोजेलिन हूँ और तुम ऑर्लैंडो, और तुम अपने दिल की बात मुझे हमेशा शाम को बता दिया करो, तुम मेरे कॉटेज में आकर। तो ये इसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ऑर्लैंडो को, बट ये ठीक है, उसके पास जाता है और उसे बताता है सारे, रोजेलिन समझ के अपनी दिल की बात बताता है। तो सिल्वियस होता है जो फीबी से प्यार करता है, एक शेपर्ड होता है, लेकिन फीबी है उसे इंटरेस्ट नहीं होता है, वो गैनीमेड में इंटरेस्टेड होती है। तो जो गैनीमेड होती है वो एक दिन उसे फीबी को सिल्वियस के साथ मिसबिहेव करते देखती है, और वो उसे डांटती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि सिल्वियस जैसा अच्छा बंदा तुमसे इतना प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तो और वो जो गैनीमेड होती है वो उसे प्रॉमिस लेती है कि अगर किसी कारणवश मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो तुम सिल्वियस के साथ शादी करोगी, तो वो मान जाती है। और ऐसे जो स्टोरीज होती है इसमें एक मेन प्लॉट होता है और कई सब प्लॉट होते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। वही एक टचस्टोन है जो इनके साथ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है, सीलिया और गैनीमेड के साथ, रोजेलिन के साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए आया था, ये एक क्लाउन है। तो टचस्टोन को भी यहाँ पे एक ऑड्री होती है जो बकरी चलाने वाली लड़की होती है, ये इसे पसंद आ जाती है, तो ये शादी करने के लिए ट्राई करता है। इसके बाद जो ऑर्लैंडो होता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में, ऑलिवर को देखता है और ऑलिवर को शेरनी और सांप से उसे बचाता है। ऑलिवर है जो गैनीमेड और एलिनिया से मिलता है, और वो अपने भाई से ऑर्लैंडो से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। और फिर जो एलिनिया है वो उसे पसंद आ जाती है, और उसको भी एलिनिया को भी वो ऑलिवर पसंद आ जाता है। तो ये शादी के लिए ऑर्लैंडो को बोलता है कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। तो ऑर्लैंडो सोचता है गैनीमेड के बारे साथ, उसे बोलता है गैनीमेड को कि मैं भी एक रोजेली नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है। तो जो गैनीमेड होता है वो बोलता है कि अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो मैं उसे जादू से यहाँ बुला लूँगी, और तुम कल बस तैयार होके अपने साथ ड्यूक सीनियर और अपने फ्रेंड्स को ले आना। तो वो मानता नहीं है, बट ठीक है, वो सुपरस्टिशियस हो जाता है प्यार में, तो वो बोलता है ठीक है और वो चला जाता है। और नेक्स्ट डे वो आता है तो जो गैनीमेड है वो रोजेलिन फॉर्म में, और जो एलिनिया है वो सीलिया बन जाती है, और वो दोनों आ जाते हैं। तो फिर ऑर्लैंडो और रोजेलिन की और ऑलिवर की सीलिया के साथ शादी हो जाती है, और वहीं और साथ में टचस्टोन की ऑड्री के साथ, ऑड्री जो एक बकरी चराने वाली लड़की है, और सिल्वियस की फीबी के साथ शादी हो जाती है। फ्रेडरिक को पता चलती है कि सीलिया की शादी हो गई है, उसकी बेटी ने शादी कर ली, तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी सेना के साथ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में आ जाता है। तो वहीं एक उसको बीच में हर्मिट मिलता है जिसका माइंड चेंज कर देता है। और फिर ड्यूक फ्रेडरिक अपनी सारी किंगडम है जो अपनी किंगडम में अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को दे देता है, और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।